हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अ सिंपल C++ प्रोग्राम विद क्लास। तो क्लास का अभी तक हम लोग ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो या फिर एक्सेसिंग अ मेंबर फंक्शन, जो भी हो उसको लेके एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी देखेंगे क्या हुआ है। पहले तो हेडर फाइल है एंड नेम स्पेस है टू गिव स्कोप फॉर द आइडेंटिफायर्स। उसके बाद क्लास हम लोग ने डिक्लेयर किया है जिसका नेम है आइटम। तो यहाँ पे है क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर क्लास का बॉडी हम लोग ने लिखा है इंट नंबर एंड फ्लोट कास्ट। तो ये जो इंट नंबर एंड फ्लोट कास्ट है, इसका कोई पब्लिक इसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर या फिर विजिबिलिटी मोड नहीं दिया गया है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वेरिएबल, ये दोनों प्राइवेट हैं। और ये दोनों को क्या कहा जाता है, ये दोनों को बोला जाता है डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है void get data एंड जिसमें दो आर्ग्यूमेंट है। तो ये है हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने और एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे तो डिक्लेयर किया है लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है। कैसे पता चला कि डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं है, मतलब ये फंक्शन टर्मिनेट नहीं है। नॉट ओनली दिस इज डिक्लेयर्ड बट ऑल्सो दिस इज डिफाइन, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड इन साइड द क्लास, ये जो है ये एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड इन साइड द क्लास, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का बॉडी लिखा गया, फिर यहाँ पे फंक्शन टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे क्लास टर्मिनेट हुआ। उसके बाद हम लोग ने और एक हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, ये तो पहले है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कब यूज होता है, जब आपको एक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है। तो हम लोग ने क्या किया है, गेट डेटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया है। क्यों, क्योंकि जो ये void get data है ये इनसाइड क्लास डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब मोटो क्या है ये फंक्शन यूज करने का, उसको कैसे पता चलेगा, जब हम लोग डेटा टाइप क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन नेम यूज करेंगे टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ये पर्टिकुलर चीज यूज हुआ। तो हम लोग ने यहाँ किया है, ये यहाँ पे क्या किया है, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड क्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये है प्राइवेट वेरिएबल्स विच इज डायरेक्टली यूज। कैसे प्राइवेट वेरिएबल डायरेक्टली यूज, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर एंड कॉस्ट बोथ आर प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लास। तो हम लोग ने यहाँ पे नंबर पे ए वैल्यू असाइन किया है एंड कॉस्ट पे बी वैल्यू असाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, प्राइवेट वेरिएबल्स विच इज डायरेक्टली यूज, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आया है। मेन में हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, एक्स इज अ ऑब्जेक्ट विच इज डिक्लेयर्ड ओवर हियर, ठीक है। और वी कैन से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड और क्रिएटेड। उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है और यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को यूज करके फंक्शन कॉल किया है जो कि है एक्स डॉट गेट डेटा। तो फंक्शन कॉल करने टाइम हम लोग ने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट और दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो ये जो 100 वैल्यू है ये पास होगा इंट ए के लिए, और ये जो 29.9 है वो बी के लिए पास होगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये भी कॉल ही हो रहा है वाई डॉट पुट डेटा। तो पुट डेटा में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग ओनली डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि पहले से ही void है, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट देना ही नहीं है। तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू कितना प्रिंट होगा, 100, और कॉस्ट इज इक्वल टू प्रिंट होगा 29.9। उसके बाद फिर और एक ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट वाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर से गेट डेटा में दो वैल्यू पास कर रहा है 210.5, फिर से पुट डेटा आउटपुट आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा पता है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का, एक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का पहले आपका आउटपुट आएगा नंबर इज इक्वल टू 100 एंड देन कॉस्ट इज इक्वल टू 29.9। फिर आएगा आपका नंबर इज इक्वल टू 200
फिर आएगा कॉस्ट इज इक्वल टू 10.5. ये दो दो बार क्यों प्रिंट हुआ? बिकॉज हम लोग ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और दोनों के थ्रू हम लोग ने वैल्यू पास किया है और प्रिंटिंग फंक्शन को कॉल किया है. तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास का पोर्शन क्या है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फंक्शंस देखेंगे.